I just got finished with my semester 5th exams, and in today's video I'll show you how SRX prepared for their exams. Before going into the video, I want to provide you some context so that you can understand more clearly how exams look like at Delhi University. So at SRCC, you'll get only two courses, that is BCom Honours and BA Economics Honours. And this is the fact that BA Economics Honours is more tougher than BCom Honours because it includes more practical subjects. Talking about the number of semesters that a student has to appear for, so there are total 6 semesters, but due to new education policy, you can opt for more 2 semesters. Also, talking about the number of subjects that a student has to opt for, so as I'm finally a student, so I only have 4 levels because of old curriculum. But if you are studying under the new education policy, so you have to appear for at least 7 subjects. So now let's get to know that how students at SRCC are preparing for their respective papers. Oh, Divis, where are you going? Sorry, Parso. Abhe, yaar. My Parso is SMI ka paper. Oh, Saaj, tera? Advertising. Tera bhi advertising hai? Aur kidin, matlab, tumne ये सार तूने तूने सीए दिया है ना या। तो सीए के लिए मतलब जो सीए दे सॉरी सीए का हाउ टू क्रैक सीए तो एक जो सीए मतलब जो इंटर दे चुका है उसके लिए कितना इजी होता है बीकॉम के पेपर्स देने में भाई शिवदास पढ़नी पड़ती है ये बना रहे हैं क्या अभी और कितने दिन पहले पढ़ना पड़ता है एक वीक पहले शुरू करता हूँ मैं तो हमेशा एक दिन पहले शुरू करो चलो हो गया तुम्हारा इंटरव्यू हो गया ऑन कर अब चला वीडियो नहीं ऑन ही है और कुछ पूछा है तुम लोगों से और क्या पूछ सकता हूँ यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब पे डालेगा नहीं नहीं एग्जाम लॉग चल रीच कम है रम ले ले रम विशाल तो बोल ही सकता ठीक है बता दो पहले नाम कोर्स और एक सेकेंड कितना मस्त लग रहा है तुम सही ये क्या बोल रहा हूँ तो विशाल आपका कोर्स कौन सा है मेरा कोर्स है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और कल आपका लास्ट एग्जाम है ना कल मेरा लास्ट एग्जाम कौन सा एग्जाम है इकोनॉमिक्स का और सेमेस्टर 5 है ना आपका सेमेस्टर 5 तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे इसमें 4 सब्जेक्ट थे इंटरनेशनल ट्रेड पब्लिक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी तो ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स हाँ तो कैसे प्रिपेयर किया ओवरऑल एग्जाम के 20 दिन पहले पढ़ना शुरू किया है और पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं जो पहले सेमेस्टर्स में आए होते हैं 5th सेमेस्टर के पिछले साल के उन्हीं से पढ़ा है बस वैसे ही पास हो जाएंगे 20 दिन में हो जाता है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर कंपैरेटिवली इजी है उससे पहले तुम्हें एक महीना पहले तो पढ़ना पड़ेगा एक डेढ़ महीना सेमेस्टर 4 है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्योंकि उसमें इकोनोमेट्रिक्स आ जाती है अलग से कौन सा पेपर है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ये इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट डेट मार्केट फिर मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है काफी चीजें पढ़ते हैं सेबी के बारे में पढ़ते हैं और कौन सा सेमेस्टर है ये फिफ्थ और कौन कौन से बाकी सब्जेक्ट है तेरे बाकी सब्जेक्ट से प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट भूल गया था मुझे एग्जाम दे देना आपकी याद रखना एक और क्या था किसका एग्जाम देते एक और FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट लास्ट पेपर है ना हम लोग मतलब हम लोग का तो लास्ट है और कैसे प्रिपेयर करता है तू पेपर तो काफी इजी आते हैं ड्यू के मतलब 1 घंटे में जाता है पेपर तो मतलब 1.5 घंटे में मैक्सिमम 2 घंटे कितने घंटे पेपर होता है पेपर होता है 3 घंटे का हां बट ऐसे किसी ने अगर सीए की लफड़ा बहुत पढ़ भी रखा हो ना तो उसके लिए पेपर काफी इजी होगा अच्छा इजी क्वेश्चन होते हैं तो कितने दिन पहले पढ़ना पड़ता है मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ोगे तो आई थिंक 90 तू कितने दिन पहले करता है
मैं एग्जाम के 4-5 दिन मतलब इंटरनल से पढ़ता हूँ और एग्जाम में पढ़ता हूँ बस। और इंटरनल में मार्क्स स्कोर करना इजी है इधर? नहीं, इंटरनल में मार्क्स स्कोर करना टफ है कंपेयर टू एग्जाम। एग्जाम में तो आप मतलब 75 में 65 स्कोर कर सकते हो इजीली, मतलब पढ़ के एग्जाम और इंटरनल्स में। बट इंटरनल्स के अंदर आपको थोड़ा सा स्कोरिंग करना डिफिकल्ट होता है। और मुकुंद कौन सी आयर तुम लोग? जल्दी 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 बोलो। कोर्स कौन सा एग्जाम है नेक्स्ट? और तुम लोग कौन सेमेस्टर के हो? थर्ड ना? तो इस सेमेस्टर क्या क्या था तुम लोग के इसमें? MME था। हाँ, पूरा MME क्या होता है? मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स, फिर इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कितना टफ है इकोनॉमिक्स पेपर करना? बहुत टफ है, कुछ नहीं आता। मतलब कितना दिन पहले पढ़ना पड़ता है? शुरू से पढ़ना पड़ता है, तो मेरी जैसी आदत लग जाती है। शुरू से पढ़ना चाहिए वरना तो डिफिकल्टी होती है। ओ आर्यन, आर्यन तू किस कोर्स का है? मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम ऑनर्स? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स या इकोनॉमिक्स कौन सा बेटर है? इको ऑब्वियसली। एग्जाम वाइज, मतलब एग्जाम में, एग्जाम वाइज भी मेरे हिसाब से इको ऑनर्स ही ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइक अगर आप इको ऑनर्स में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो पेपर काफी स्पेशली मुझे मैथ्स पसंद है, तो अगर आप मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स में मार्क्स मिलेंगे, आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका मैथ्स पावरफुल हो जाएगा और उसके बाद आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट्स है, तो वहां पे मार्क्स गेन करना कंपैरेटिवली रिलेटिवली डिफिकल्ट है। मतलब आप फुल मार्क्स मिला सकते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो ये कोई गारंटी नहीं आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। और आपको पता है DU की चेकिंग कैसी है, काफी सब्जेक्टिव है, तो टीचर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ टीचर्स 2 मिनट में आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो कंटेंट आप जो भी लिख रहे हो आई थिंक वो इमटेरियल है, मोस्ट केसेस में इमटेरियल है। तो यहाँ पे थ्योरी पेपर में, जैसे कि कल मेरा PY पेपर है, तो उसमें ये भी जरूरी है, यहाँ पे जनरली जो भी थ्योरी पेपर है PY, HRM, MPA में आपको लेंथ लिखनी होती है, आपको पन्ने भरने होते हैं, देन आपका कंटेंट क्या है। तो भले आप कितना ही प्रिसाइज लिखो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो और कौन सा मोस्ट ऑफ द केसेस? और कौन कौन सब्जेक्ट है बीकॉम में थर्ड सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स है बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जी होगा आपको चूज करना पड़ेगा। तो जी भी हमारे कॉलेज में इकोनॉमिक्स है मेन, तो पॉल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं है उसपे, और EVS है, और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो हमारा PUM है। ओके, कितने दिन पहले पढ़ना पड़ता है? बीकॉम में तो यार प्रिपरेशन लीव जो है उसमें आप पढ़ सकते हो, मैं तो कहूंगा। बट जैसे मेन सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे FM हो गया या फिर बिजनेस मैथ्स हो गया, तो वो पहले से ही मैं पढ़ना एडवाइस करूंगा। और प्रतीक कुछ लास्ट? टॉपर ऑफ द इकोनॉमिक्स, टॉप बैच, टॉप बैच है ना ये तो शायद? बहुत लोग है टॉपर मेरे, एवरेज है, एवरेज है मेरा तो, लेकिन मैं तो फिल्म कौन तुम तू मैं एवरेज से थोड़ा नीचे। और अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट पेपर। तू डाउट सॉल्व करने आएगा ना इससे? डाउट सोच रहा हूं मैं एवरेज स्टूडेंट से, ताकि मैं भी एवरेज पे आ जाऊं। लास्ट में 8+ CGPA चाहिए, बस 8+ CGPA एनफ है इस अभी। और कुछ टिप्स जो फर्स्ट ईयर में अभी आएंगे? फर्स्ट ईयर में कौन आएगा? जो भी आएंगे मतलब नया बैच, जो देख रहे हैं, जो अभी क्लास चल रही है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। अभी SRCC में आओगे तो पता चलेगा। पसंद नहीं हो तो मत लेना इकोनॉमिक्स गलती से भी। ओके, थैंक यू।